नमस्कार बच्चों, विनिंग एज स्टडी पॉइंट ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटरमिनेंट चैप्टर की शुरुआत की थी और डिटरमिनेंट्स निकालना भी सीखा था, और आज हम सब डिटरमिनेंट के आगे के कुछ नए टॉपिक सीखना शुरू करेंगे। और प्यारे बच्चों, ये टॉपिक सीखना एक ऐसी नींव है जो आपको बताया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक जो टॉपिक होता है 6 नंबर का, उसके लिए दूसरा पड़ाव का काम करेगा। तो हम पहले इसको सीखेंगे, उसके बाद मैं इनकी कुछ बेसिक छोटी छोटी भाई टर्म्स भी सिखाऊंगा जो आपको छोटे क्वेश्चनों में और प्रॉपर्टीज सॉल्व करने में भी मदद करेगी। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में 4.1 के क्वेश्चंस के लिए काम करवाया था, और अब मैं आपको 4.4 और 4.5 के लिए काम कराने जा रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है पहले, वो है आपका टॉपिक माइनर एंड, ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है टॉपिक का, माइनर एंड कोफैक्टर्स। मेरे बच्चों, माइनर निकालना और कोफैक्टर निकालना एक तरह से सेम, लेकिन बस साइन की वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं, अपने साइन कैरेक्टर की वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं, बाकी निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं माइनर, वैसे तो माइनर निकालने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपके बस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए माइनर निकाल के दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है 6, 7, -3, -2 ऐसे, और आपसे कहा गया कि इसका माइनर निकालिए। तो पहले मैं माइनर निकाल रहा हूं, फिर कोफैक्टर, इसके बाद मैं माइनर एक बार भी नहीं निकालूंगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ कोफैक्टर से मतलब होता है। तो माइनर, जैसे मान लीजिए मैंने माइनर लिया M11, तो प्यारे बच्चों M11 का मतलब क्या है? इस 1-1 का मतलब आप जानते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखना जरा ध्यान से देखना, एक मिनट देखना जरा, हां जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, माइनस का 2, बस यही आपका M11 है। समझ रहे हो, मतलब आपको क्या करना है, जैसे जैसे कंटेंट दिए हो उसको काटते चलो, और जो बच जाए उसको लिख दो, बात खत्म। समझ में आ रही है बात? अब जैसे, अब मैं एक और दिखाता हूं आपको, जैसे मान लीजिए आपके सामने आता अब M12, इस 12 का मतलब क्या है भाई, इस 12 का मतलब क्या है? अब देखिए, इसको मिटाता हूं पहले मैं, ठीक है, हां जी, इस 12 का मतलब क्या है, कि मतलब ये देखिए, हां जी, M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, माइनस का 3, बस यही आपका आंसर है। समझ में आ रही बात? इसके बाद क्या आता है, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा कौन, 7। उसके बाद M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, बचा कौन, 6। इसी को कहा जाता है माइनर निकालना। क्या निकालना, माइनर निकालना। देख रहे हो कितना सिंपल है बच्चों? तो मतलब माइनर निकालना बहुत सिंपल सी चीज है, बस क्या करना है, जिस हिसाब से आपको मैट्रिक्स दी गई है उसके एक एक एलिमेंट को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी है। लेकिन माइनर के बाद कोफैक्टर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कंपल्सरी है। क्यों? क्योंकि बिना कोफैक्टर के आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अब माइनर हमने सीख लिया, अब सीखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कोफैक्टर पाएंगे। अब जैसे इसी का मैं कोफैक्टर निकालता हूं। आज जैसे मान लो आपने कोफैक्टर निकाला A11, क्या निकाला, A11, कैसे निकाला बच्चों आपने, ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं यहां से, हाँ, A11 कैसे निकाला होगा आपने, ध्यान से देखिएगा, हाँ जी, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन बच गया, -2, यहां पर लिखो माइनस का 2, यहां पे क्या लिखो, माइनस का 2। लेकिन बच्चों -2 लिखने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, पता है क्या, कोफैक्टर निकालते समय, अभी देखो इस टाइम पे हम क्या निकाल रहे हैं, इस टाइम पे हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या ध्यान रखना बच्चों, कि a के नीचे जो ये 1-1 देखा है ना आपने, इसको आपस में एड करो, ठीक है, क्या करो,
रॉ को और कॉलम को प्यारे बच्चों ऐड करो, और ऐड करने के बाद अगर इवन नंबर आ जाता है तो आपको साइन में कोई चेंज नहीं करना, और अगर ऐड करने पर ऑड नंबर आता है तो आपको उसका साइन चेंज कर देना है, यानी कि माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो जरा ध्यान से देखेंगे, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बचा कौन, माइनस टू, इन दोनों को ऐड करो, 1 + 1 कितना होता है 2, और 2 कौन है, एक इवन नंबर, तो इसका मतलब नो चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बचा कौन, माइनस का 3, बचा कौन, माइनस का 3, लेकिन अब बात है इन दोनों को ऐड करने की, तो 1 + 2 क्या आ गया 3, और 3 क्या होता है ऑड नंबर, तो साइन क्या करेंगे चेंज, यानी माइनस वाले से मल्टीप्लाई करके इसको क्या बना देंगे प्लस का। समझ में आ रही बात, मतलब कहने का यही है कि अगर इवन नंबर आता है तो चेंज नहीं करना है, और ऑड नंबर आता है किनको, रॉ को और कॉलम को ऐड करने पे, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस से 1 से या माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि साइन क्या हो जाए चेंज हो जाए। ठीक, अगला आता है A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बचा कौन, 7, ऐड कीजिए, 2 और 1 कितना होता है बच्चों 3, 3 ऑड नंबर है, चेंज करेंगे साइन, देखिए माइनस का 7। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम बचा कौन, 6, ऐड करो 2 को, 4, 4 इवन नंबर है, चेंज नहीं करेंगे। तो बस इस तरीके से करना है, यही है आपका कोफैक्टर और यही है आपका माइनर। तो आपको माइनर को अब याद नहीं रखना है, क्योंकि माइनर का ही साइन चेंज किया जाता है जब, तो कोफैक्टर बन जाता है। और साइन कब चेंज करते हैं बच्चों, रो और कॉलम को ऐड करके देखते हैं, अगर रो और कॉलम ऐड करके इवन नंबर बना रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करेंगे, और अगर रो और कॉलम ऐड करके ऑड नंबर बना रहे हैं तो हम साइन चेंज करेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा सभी को, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद अब मैं सीधा 3 वाले मैट्रिक्स पे आ जाता हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका भी कोफैक्टर निकालना सीख गया, सीख लिया हमने 2 × 2 का। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको 3 × 3 वाले पे लेके चल रहा हूं, क्योंकि उसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो जल्दी नोट कीजिए इसको। तो शुरू करते हैं, अब मैं आपको 3 × 3 का एक मैट्रिक्स दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया प्यारे बच्चों, 6 1 3 2 1 5 3 0 और ये 4। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, ये एक ए मैट्रिक्स ले लिया और आपसे कहा गया कि कोफैक्टर निकालिए, क्या निकालिए कोफैक्टर। देखो मैं अभी ना डिटर्मिनेंट के लिए बात कर रहा हूं पीछे, ना मैं अभी आगे की कोई बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ एक एक टॉपिक उठा रहा हूं मैं। ठीक है, जब मैं ये सारे टॉपिक उठा लूंगा तो एक साथ कंपाइल करके आपके सामने आंसर प्रस्तुत कर दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा तो भाई अब जरा देखेंगे, कोफैक्टर निकालना है हमें, क्या निकालना है कोफैक्टर। ठीक है जी, अब निकालते कैसे है कोफैक्टर, जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। A11 ऐसे, 11 का मतलब फर्स्ट रो, एक मिनट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, भाई कट गया ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गया, बचा कौन 1504, 1504 ऐसे, पल्ले पड़ रही बात। अब जब इस कंडीशन में तुम्हारे पास कोई चीज आ जाती है तो तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चलती है, क्या डिटरमिनेंट निकालेंगे भाई हम, यही बात चलती है दिमाग में, क्या चलती है बात कि डिटरमिनेंट निकालेंगे हम सब। तो लीजिए निकालिए भाई डिटरमिनेंट, कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, 4 को 1 से 4 एकम 4, माइनस 0 को तो किसी से भी कर दो 0, तो 4 आ गया। A11 क्या साइन चेंज करना है, नहीं करना है, क्यों, 1 + 1 क्या होता है 2, और 2 एक क्या होता है इवन नंबर, इवन नंबर में साइन चेंज नहीं करते। A11 आ गया बच्चों, अच्छा अब क्या निकालेंगे A12। हां जी, 12 कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखेंगे, हां जी 12 कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो हो गया सेकंड कॉलम, क्या हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब फर्स्ट रो भी कट गया सेकंड कॉलम भी कट गया, बचा कौन, बचा 2 5 3 4, यही बचा। अच्छा अब क्या करना है, गलती नहीं करनी,
गलती कैसे नहीं करनी, ध्यान से देखो, यहीं पे हाथों हाथ देख लो, वन प्लस टू कितना है, थ्री, और थ्री जो है एक ऑड नंबर है, सही बात है, थ्री जो है वो क्या है, एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो साइन क्या लगाएंगे हम, माइनस, ठीक है। तो इस माइनस को पहले से ही लगा के चलो, बाद में लगाने का कोई चक्कर मत डालो। अब लगाओ ब्रैकेट, फोर को टू से किया एट हो गया, माइनस एट को फिफ्टीन से माइनस का सेवन, और ये बन जाएगा प्लस का सेवन, ए वन टू, देखो आ गया। नेक्स्ट, अब ए वन थ्री, ए वन थ्री क्या बनेगा बच्चों, देखेंगे, ए वन थ्री, तो यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बचा कौन, बचेगा टू वन थ्री जीरो, ठीक है। अब यही हाथों हाथ चेक कर लो, वन प्लस थ्री कितना होता है बच्चों, फोर होता है, फोर क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या नहीं करते, साइन चेंज नहीं करते। सॉल्व कीजिए, जीरो को टू से करेंगे जीरो, थ्री को वन से करेंगे थ्री, तो क्या बन गया, माइनस का थ्री, ए वन थ्री की वैल्यू आ गई माइनस थ्री, कोई दिक्कत। अच्छा अब क्या करेंगे बच्चों, अब आएंगे हम ए टू वन पे, मतलब क्या हो गया बच्चों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब किसमें चले गए हम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो भी कट गया, फर्स्ट कॉलम भी कट गया, बचा कौन, वन थ्री जीरो फोर, कौन बच गया, वन थ्री जीरो फोर, यही बचा ना। अच्छा अब हाथों हाथ ऐड करेंगे, टू प्लस वन कितना होता है, थ्री, थ्री एक ऑड नंबर है, बाहर क्या लगा देंगे, माइनस, बाहर माइनस लगाया, फोर को वन से मल्टीप्लाई फोर, जीरो को थ्री से मल्टीप्लाई जीरो, प्यारे बच्चों क्या बन चुका है, माइनस का फोर, ए टू वन की वैल्यू माइनस फोर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, लिखेंगे ए टू टू, मतलब ए टू टू का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है जी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो प्यारे बच्चों सेकंड रो भी काटा सेकंड कॉलम भी काटा, बचा कौन, सिक्स थ्री थ्री फोर, सिक्स थ्री थ्री फोर, ठीक है। ऐड कीजिए, टू प्लस टू फोर, इवन नंबर है, नो चेंज, फोर को सिक्स से ट्वेंटी फोर, थ्री को थ्री से नाइन, माइनस हुआ पंद्रह, ए टू टू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब किसकी बारी, ए टू थ्री, हाँ जी बच्चों, ए टू थ्री क्या बनेगा, ए टू थ्री, तो मैंने ये बन गया फर्स्ट यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो यानी सिक्स वन थ्री जीरो बच गया, सिक्स वन थ्री जीरो, ठीक है। टू प्लस थ्री बोलो फाइव, और फाइव क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, ए टू थ्री माइनस जीरो माइनस का तीन, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा, तो ए टू थ्री कितना आ गया, माइनस और माइनस का थ्री, तो बन गया प्लस का थ्री, ए टू थ्री क्या बन गया, प्लस का थ्री। अब किसकी बारी, ए थ्री वन, अब किसकी बारी, ए किसकी बारी है भाई, ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या, बच गया वन थ्री वन फाइव, वन थ्री वन फाइव, ठीक है। थ्री और वन को ऐड कीजिए, फोर, फोर इवन नंबर है, नो चेंज, चलिए इसको इससे फाइव, इसको इससे थ्री, तो आ गया टू, ए थ्री वन, ये आ गया क्या बच्चों हमारा, ए थ्री वन। अब किसकी बारी, ए थ्री टू, अब किसकी बारी, ए थ्री टू, तो हमने बच्चों क्या निकाला, ए थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, क्या निकाल दिया, सेकंड कॉलम, समझ में आ रही है बात बच्चों, सेकंड कॉलम, तो यानी कि थर्ड रो भी गया सेकंड कॉलम भी गया, बचा कौन, सिक्स थ्री टू फाइव, सिक्स थ्री टू फाइव। अब ऐड कीजिए, थ्री और टू फाइव, फाइव ऑड नंबर है, माइनस, माइनस बाहर रहेगा, थर्टी सिक्स, तो ये आ गया ट्वेंटी फोर, तो यानी कि माइनस का ट्वेंटी फोर कितना बन गया, ये माइनस का ट्वेंटी फोर, तो ये आपका ए थ्री टू आ गया बच्चों। अब किसकी बारी है, ए थ्री थ्री,
तो ए थ्री थ्री कैसे बनेगा बच्चों? थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बन जाएगा ये? ये बन जाएगा 6 1 2 1, 6 1 2 1, ठीक है? चलिए करेंगे सॉल्व। हाँ जी, 6 2 तो कितना हो गया? 4। A33 का क्या आ गया? 4। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक एक पॉइंट को, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, सारे हिस्सों को हमने सॉल्व किया। और इस तरीके से हम सॉल्व करके क्या निकालते हैं बच्चों? को फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? को फैक्टर निकालते हैं। और इन्हीं को फैक्टर्स को जब हम असेंबल करेंगे तो एडजॉइंट नाम के टॉपिक पे आएंगे। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके को फैक्टर आप मुझे निकाल के दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूं, और +4.5 आपको घर से करना है, समझ रहे हो? 4.5, सॉरी 4.5 नहीं, 4.4 आपको घर से करना है, जिसमें आपको कोफैक्टर निकालना है बच्चों, ठीक है? समझ रहे हो आप लोग? कोफैक्टर निकालना है आपको, 4.4 आपको खत्म करके लेकर आना है। और प्लस मैं ML अग्रवाल से कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, वो भी आपको करना है साथ ही साथ, ठीक है? तो आप को फैक्टर निकालना तो सीख गए होंगे कि को फैक्टर कैसे निकालना है, ठीक है? अब इसी के अंदर बच्चों एक टॉपिक और जोड़ना है मुझे, और वो टॉपिक क्या जोड़ना है जरा ध्यान से सुनिए। उस टॉपिक का नाम है बच्चों एडजॉइंट। क्या नाम है? एडजॉइंट, ठीक है? तो बच्चों मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में ही साथ में जोड़ूंगा, क्योंकि एडजॉइंट के साथ मुझे इनवर्स भी करवाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको क्लियर करते हैं। चलिए बाय।